बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 30 साल बाद दो बड़े सैयारे आमने सामने होने जा रहे हैं, क्या कुछ होने वाले हैं, इसके हवाले से आज बात करेंगे। इन बुरुज की पांचों उंगलियां घी में, इनके हवाले से भी कौन से बुरुज होंगे, बिग इंसिडेंट आफ्टर 30 ईयर्स के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आज की इस वीडियो में अगस्त के सुपरस्टार, सुपर से भी ऊपर जो जोडिक साइन है उनके हवाले से बात करेंगे। कौन से ऐसे जोडिक साइन होंगे जिनकी पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, यानी भरपूर दौलत समेटने वाले बुरुज के हवाले से आज हम बात करेंगे। से बुरुज का राजयोग बनना है, भरपूर राजयोग जो भरपूर फायदा इनको देगा, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। 16 अगस्त को याद रखेगा, 16 अगस्त को सूरज जो है वो सिंह राशि, यानी अपने खुद की राशि, अपने खुद के जोडिक साइन यानी कि लियो के अंदर आ जाएंगे और यहाँ से भरपूर बड़ी धमाल, यानी वो कहते हैं ना कि भरपूर धमाल शुरू हो जाएगी और आइंदा एक महीने तक ये अपनी ही राशि यानी सिंह राशि लियो के अंदर रहेंगे। और यही वो ड्यूरेशन है जब इनका एक बड़े सैयार यानी तमाम प्लैनेट्स के शहनशाह सूरज के साथ गठजोड़ बनेगा, यानी कि सूरज और यानी सामने शनि, शनि से इनका मतभेद होने वाला है। शनि यानी सैटर्न, सैटर्न और सूरज दोनों का गठजोड़ बनेगा, आमने सामने सुपर पावरफुल होके आएंगे। और क्या कुछ होगा तमाम जोडिक साइन की जिंदगी में, कौन कौन से भरपूर तरीके से फायदा उठाएंगे, कौन से बुरुज जिनकी पांच उंगलियां घी में सर कड़ाई में, वो कौन से बुरुज होंगे, इसके हवाले से भी हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे कारकाच नाम का एक बड़ा राज योग जो भरपूर तरीके से आपकी जिंदगी बदल देगा, इसके हवाले से भी आज हम बात कर रहे हैं। याद रखिएगा ये वो राज योग है जो फकीर को बादशाह और बादशाह को फकीर बनाने की ताकत रखता है। इसकी वजह से मुल्की सियासत में भी उथल पथल या यूं कह रहे कि ऊपर नीचे बहुत बड़े धमाके होने, बहुत बड़ी हलचल होने वाली जो आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे, लेकिन सियासत में भी बड़ा हलचल मचाने वाली है। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए है कि केंद्र के अंदर तमाम बड़े सैयारों का गठजोड़ बन के वहाँ भी बड़े राजयोग बन रहे हैं और केंद्र में तमाम बड़े सैयारों का आना ये भी काफ़ी मुबारक साबित होगा कुछ जोडिक साइन के लिए। एरीज के हवाले से बात करें तो एरीज के हवाले से गुरु मंगल का गठजोड़ तो काफ़ी फायदा इनको देगा, लेकिन गुरु यानी कि जुपिटर और मंगल यानी कि मार्स, मार्स ऊंच के पावर्स के काफ़ी ज़्यादा पैसों के फायदे इनको होने हैं। पैसे के मामले बहुत ज़बरदस्त होंगे, एरीज के हर लिहाज से पैसे का फ्लो देखना, तेज तरीन दौलत समेटना, मौके मिलना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिंदगी में मिलना, ऐसा भी मौका मिलेगा और हर लिहाज से खुशहाल होते हुए तेज तरीन जिंदगी, अच्छी जिंदगी गुजारते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके बावजूद ये वो सुपर सुपर डुपर किस्म का जोडिक साइन फिर भी नहीं है, इसके बावजूद इतना कुछ इसको मिलता हुआ नजर आएगा। तो आप सोचें कि जो सुपर डुपर किस्म का जोडिक साइन होगा उसको क्या कुछ मिलेगा। तो अब जो दूसरा बुर्ज हम बताने वाले वो है सुपर से भी ऊपर, यानी जिसका भरपूर इस जो आमने सामने शनि का और सूरज का आना ये भरपूर तरीके से इस जोडिक साइन को और ज़्यादा फायदा देगा और वो है वृषभ यानी टॉरस। टॉरस भरपूर तरीके से बुर्जस और भरपूर तरीके से इस ड्यूरेशन का जो आमने सामने शनि और सूरज आ जाएंगे इसका फायदा उठाते हुए देखेंगे। इनकी जोडिक साइन के अंदर यानी टॉरस के अंदर मंगल यानी कि मार्स और जुपिटर यानी कि गुरु दोनों का एक साथ गठजोड़ बनना और एक साथ पावरफुल होना ये काफ़ी कुछ चेंज कर जाएगा। लेकिन इनके लिए बड़ी खुशनसीबी है कि चौथे घर के अंदर सूरज बुध और शुक्र के साथ, यानी सूरज यानी सन, बुध और शुक्र यानी बुध यानी मर्क्यूरी और शुक्र यानी वीनस, तीनों का गठजोड़ बन के त्रिगरी राजयोग बनाए तो यहाँ भरपूर फायदा इनको मिलता नजर आएगा। लेकिन इस दौरान में अपने बच्चे अपनी औलाद की आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, चलते हुए गिर जाना, चोट लगना या आंखों में दर्द का रहना ऐसा मुमकिन हो सकता है। करियर में एक बड़ा बूस्ट, 10वें घर का एक्टिवेट होना और करियर में बड़ा बूस्ट आना, भरपूर तरीके से प्रोमोशंस के युग बनना या सैलरी अलाउंसेस बोनसेस में इजाफा होना ऐसा भी मुमकिन बनेगा टॉरियंस के लिए। और टॉरस के लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि साथ के साथ बड़े सैयारे जो है वो केंद्र के अंदर रहेंगे और ये भरपूर तरीके से इनको फायदा देंगे। जॉब से मुतल्लिक आपको बड़ा ज़बरदस्त यानी खुशखबरियों का मिलना और कामयाबियों का मिलना ऐसा बहुत ज़्यादा देखने में आएगा। 11वें घर के अंदर राहु का रहना, राहु आपके ख्वाहिशात के घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के अंदर और आपके डेली वेजेस डेली इनकम के घर में भी सुपर पावरफुल होके इस घर को भी पावरफुल करेगा। 11वें घर यानी आपके ख्वाहिशात की मुकम्मल होना, ख्वाहिशात की तकमील होना, मैनिफेस्टेशन का सच होना और इनकम के घर का एक्टिवेट होना यानी हाइएस्ट प्रॉफिट और डेली इनकम डेली वेजेस का बढ़ना ये भी आपके लिए सोने पर सुहागा होने जा रहा है। 26 अगस्त को मंगल अपनी जगह चेंज करेगा, मंगल सुपर पावरफुल होकर अपनी जगह चेंज करेगा, ये भी काफ़ी बड़े बड़े बदलाव यानी मार्स बड़े बड़े बदलाव लेके आएगा और ये डायरेक्टली मंगल जो है मिथुन यानी के जेमिनी के अंदर चला जाएगा।
5 अगस्त से बुध की अगर बात करें मर्क्यूरी तो ये वक्री हालत में आ जाएगा, और 22 अगस्त को कर्क यानी कि कैंसर के अंदर इसका ट्रांजिट हो जाना, और उसके बाद 28 अगस्त को ये मार्ग यानी सुपर पावरफुल होता हुआ डायरेक्ट पावर देता हुआ भी नजर आएगा, जबकि 4 सितंबर को फिर से सिंह यानी लियो के अंदर इसका ट्रांजिट हो जाएगा, 24 अगस्त को शुक्र यानी कि वीनस नीच के पावर्स के साथ आ जाएंगे। टॉरस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो इस हिसाब से इसी तारीख को जो नीच के पावर्स के साथ आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का होना, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी का बढ़ जाना, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन इन तमाम के बावजूद ये 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में उसमें नंबर 1 पे आता है टॉरस, जो भरपूर तरीके से इसका फायदा उठाते हुए नजर आएगा। वैसे भी आपने देखा कि बड़े बड़े सैयारों का गठजोड़ यानी दो ग्रही, त्रिग्रही, चतुर्ग्रही राजयोग भी टॉरस के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये सब भी भरपूर फायदा इनको देते हुए जाएंगे। अब तीसरे नंबर के जेमिनाई के हवाले से अगर हम बात करें, जेमिनाई के लिए भी दौलत के हसूल के हवाले से यानी कि इज्जत, दौलत, शोहरत, कामयाबियों के हवाले से काफ़ी बड़ा बूस्ट आना है, यानी पैसा भरपूर समेटते हुए, तेज तरीन दौलत समेटते हुए नजर आएंगे। फिर भी ये सुपर से ऊपर में नहीं है, इसके बावजूद पैसा भरपूर आना, करियर से बड़ी खुशखबरियाँ सुनना और बड़े बड़े बदलाव इनको लाइफ में देखने को मिलेंगे। इसके बाद कैंसेरियंस के हवाले से बात करें तो कैंसेरियंस के खर्चे बढ़ते हुए नजर आएंगे, यानी कैंसेरियंस के खर्चे बढ़ना, बिला वजह के खर्चे, बगैर सोचे समझे खर्चा करके बर्डन लाना और कर्जे बढ़ते हुए नजर आएंगे, और इससे बचना है तो खर्चों पे अपना कंट्रोल रखना पड़ेगा। बिला बगैर सोचे समझे कोई बड़ा फैसला कर जाना ये भी खतरनाक साबित होगा, जो नुकसान बड़ा करा के जाएगा, लेकिन पैसे का फ्लो जारी रहेगा, रुक रुक के आएगा लेकिन पैसा आएगा और पैसा समेट पाओगे, और साथ में इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग्स करना भी आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अब कैंसर के बाद 5वें नंबर का बुर्ज यानी लियो बबर शेरों के हवाले से बात करें कि इनके साथ क्या कुछ होने जा रहा है। सिंह राशि यानी कि लियो के अंदर भी राहु और केतु को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के 7 सैयारे केंद्र के अंदर रहेंगे और भरपूर तरीके से इनको फायदा देते हुए नजर आएंगे। अब की औलाद के हवाले से उनके आंखों में तकलीफ का होना, दर्द का होना, ऐसा भी देखा जा सकता है, लेकिन साथ साथ लियोस का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का शुरू होना या किसी दूसरे में इंटरेस्टेड होना ऐसा भी मुमकिन होगा, जिसपे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इस दौरान में आपकी गवर्नमेंट जॉब का पक्का होना या गवर्नमेंट जॉब में ऊंचे लेवल पे चले जाना यानी बड़े पोस्ट पे जाके अच्छे मराहत, अच्छी फैसिलिटीज का हासिल करना, या आर्मी के अंदर या पुलिस के अंदर या कोई भी कानून से रिलेटेड कोई इदारा, वहाँ अच्छी पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस लेना ऐसा मुमकिन बनेगा। किसी भी टेक्निकल फील्ड में जाते हैं वहाँ भरपूर फायदा, और बैरन मुल्क जाना, वहाँ जॉब करना, कारोबार करना, वहाँ से अच्छा पैसा बनाना, बैरन से जुड़ा कोई भी काम, ट्रेडिंग का काम करते हैं या फिर कंप्यूटर का या आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हैं, यूट्यूबर है, फ्रीलांसर है, ऑनलाइन कोई काम करते हैं, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। यानी इन शॉर्ट कारोबार के हवाले से भी बड़े मौके मिलना और कारोबार से अच्छा फायदा हासिल करना ये भी लियोस को नजर आएगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बड़े टॉप पे जाने वाले, और आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में एक इस्तेहकाम का आना, आपस में अच्छी बॉन्डिंग का होना, घूमते फिरते सैर सपाटा करते नजर आओगे। अब अगर हम वर्गोस के हवाले से बात करें तो वर्गोस का भी आगे फ्यूचर तो बड़ा ब्राइट है, यानी कि अपने करियर कारोबार से अच्छी खुशखबरियों का सुनना, तेज तरीन दौलत समेटना, अभी भी ये सुपर टॉप पे नहीं है लेकिन फिर भी भरपूर तरीके से दौलत का फ्लो इनका बना रहेगा, पैसा भरपूर आना, करियर से बड़ी खुशखबरियां सुनना, इनके सोर्सेज ऑफ इनकम का तेजी से बढ़ना, ऐसा करके पैसा जमा कर पाएंगे, सेविंग्स कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट करना इनके लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लिब्रा के हवाले से, बुर्ज मीजान के हवाले से अगर बात करें, बुर्ज मीजान लिब्रा के हवाले से बात करें, थोड़ा सुस्त रवि का शिकार रहेंगे, कंफर्ट जोन में जाना, काम में ध्यान नहीं लगना, काम में दिल ना लगना, इस तरह के मामला, बड़ी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज जाया कर दोगे, लेकिन पैसे का फ्लो बना रहेगा। अगर ये इन मौकों को, इन गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हैं तो करियर कारोबार दोनों के अंदर फायदा देखेंगे, करियर से बड़ी खुशखबरी का सुनना, अच्छी पोस्ट पे जाके सैलरी पैकेज अच्छे मिलना, अच्छी जॉब पे लगना, कारोबार का अच्छा चलना, अच्छा पैसा देना, मेहनत इनका मांगती, मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे वरना फिर ये पीछे रह जाएंगे। तो लिब्रास के लिए भी मौके अच्छे बनते हैं, अभी अवेल करते हैं कि नहीं ये देखना है, लेकिन भरपूर फायदे उठाते हुए ये लोग नजर आएंगे अगस्त से ऑनवर्ड। अब हम बात करेंगे सुपर से ऊपर, यानी ये वो अगेन एक और बुर्ज जो कि सुपर से ऊपर जाने वाला है, वो है स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करें, अब लोग कहते हैं कि आपका बुर्ज है इसलिए बता रहे, ऐसा नहीं है। अब देखिए जितने भी एस्ट्रोलॉजर आपको इसी टॉपिक पे बात करते नजर आएंगे, क्योंकि वाकई में स्कॉर्पियंस भी अमंग वन ऑफ देम यानी कि बेहतरीन फायदे उठाते हुए और टॉप मोस्ट पे जाते हुए यानी कि हर लिहाज से भरपूर फायदा उठाते हुए इस दौरान में नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह कि आपका रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी मार्स अपने ही घर, अपने ही जोडिक साइन को देख रहा है, तो अपने घर को और बेहतरीन करता हुआ नजर आएगा। और सोने पे सुहागा ये कि शनि यानी सैटर्न भी अपने ही घर के अंदर है और अपने घर को सुपर स्ट्रांग बनाता हुआ नजर आएगा।
इसी तरह सूरज ये भी अपने ही घर के को स्ट्रांग बनाता हुआ अपने घर के अंदर रहेगा। भरपूर तरीके से इन तीन सियारों को अपने ही घर में आना यानी हर लिहाज से बड़े फायदे स्कॉर्पियंस उठाते हुए नजर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा 24 अगस्त से शुक्र यानी कि वीनस ये नीच के पावर्स के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे हस्बैंड या वाइफ आपके पार्टनर के या आपके हेल्थ के हवाले से थोड़े प्रॉब्लम्स नजर आ सकते हैं, तबीयत बिगड़ सकती है। केतु का 12वें घर को एक्टिवेट करना, आपके बैरनमूल के दौरे बनना, बैरनमूल जाके जॉब कारोबार करना, वहां से अच्छा पैसा कमाना, खर्चे बढ़ेंगे, याद रखिएगा कर्जे लेने पड़ सकते हैं तो खर्चों पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस है, आप बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हो या आपका चेकअप हो, दवाओं के खर्चे वगैरह ये बढ़ सकते हैं। आप अपना मकान, किराए का मकान छोड़ के अपना मकान या उससे अच्छा मकान लेना चाहते हैं बड़ा, या गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी के हवाले से भरपूर फायदे उठाते देखोगे। कम्युनिकेशन स्किल्स का बढ़ना, बोलने वाले जो भी जॉब आप करते हो, जैसे आप कोई एंटरप्रेन्योर हो या कोई आर्टिस्ट हो, कोई एक्टर हो या कोई जज हो, कोई वकील हो या कोई बोलने का जो काम ज़्यादा करते हो, कोई सेल्स एंड परचेस का काम करते हो, उसमें भी भरपूर पैसा कमाने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी शनि का वक्री होना आपको डबल फायदे तो देगा, लेकिन ये सारी चीज़ें होते हुए स्कॉर्पियंस को नजर आएगी। अब अगर हम सेजिटेरियस के हवाले से बात करें तो सेजिटेरियस इज नॉट अमंग देम, यानी कि उन सुपर से ऊपर बुरुज के अंदर ना होते हुए भी करियर में अच्छा वक्त देखना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का मिलना, बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर से और अपने कारोबार से सुनना, यानी पैसे का भरपूर फ्लो बनेगा, खर्चे बढ़ेंगे, खर्चों पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। बिला वजह के खर्चे बढ़ना या जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले जाना ये बड़े मसले पैदा कर सकता है। सेजिटेरियंस के इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग्स करना, ये सब भी इनके लिए मुमकिन रहेगा, यानी पैसे का फ्लो थोड़ा रुक जाएगा लेकिन पैसा जमा करते हुए भी नजर आएंगे। अब अगर हम कैप्रिकॉनियंस के हवाले से, बुर्ज अक्रब के हवाले से, कैप्रिकॉनियंस के हवाले से यानी मकर राशि के हवाले से बात करें तो साठ सती जाती हुई यानी कि 2025 में इनकी मार्च 2025 में साठ सती तो खत्म होगी, लेकिन बड़ी नवाजिश आते शनि की, सैटर्न की इनके ऊपर बनी रहेगी। इस दौरान में भरपूर पैसा समेट पाना, अच्छी दौलत का देखना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का होना, तेज तरीन तरक्की करना, करियर का कारोबार से अच्छी खबरें सुनना, हर लिहाज से तेज तरीन दौलत समेटते हुए इस दौरान में ये नजर आए। अब अगर हम कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के हवाले से बात करें तो ये अमंग ऑल यानी ये जो सुपर से ऊपर जितने भी बुरुज उसमें ये शामिल होता है, ये हर लिहाज से आगे बढ़ता हुआ तेज तरीन तरक्की करते हुए और बड़े बड़े राजयोग बनते हुए इनके लिए नजर आएंगे। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस के अंदर शश नाम का यानी शनि की तरफ से शश नाम का बड़ा राजयोग भी बना हुआ जो भरपूर फायदा एक्वेरियस को देता नजर आएगा। इसके अलावा कारकाच नाम का बड़ा राजयोग भी कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के लिए बना हुआ है। बस याद रखिएगा वालिद और वालदा के सेहत के हवाले से आपको ख्याल रखना, इनकी तबीयत बिगड़ सकती है या हॉस्पिटलाइजेशन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आपकी इज्जत में इजाफा होना, रिकॉग्निशन का मिलना, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, फेमस होना, ये सब होते हुए आपको नजर आएगा। अब आखिरी बुर्ज यानी पाइसिस के हवाले से बात करें, पाइसिस के पैसे के मामलात में यानी के कारोबार और करियर के हवाले से भरपूर खबरों का सुनना, अच्छा पैसा आना, तेज तरीन दौलत समेट पाना, तेज तरीन पैसा कमा पाना इनके लिए मुमकिन रहेगा, यानी हर लिहाज से खुशहाल रहेंगे और गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का मिलना। लेकिन फिर भी ये सुपर से ऊपर बुरुज में नया होते हुए भी करियर और कारोबार में बेहतरीन करता हुआ और करियर और कारोबार से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन का जरूर क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अल्लाह हाफिज़।